किसी भी ट्रेडर को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ट्रेड में एंटर करने के बाद वो ये आती है कि यार एग्जिट कहाँ पे करें। तो इसका सबसे सिंपल सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं आपको सिखाने वाला हूँ ट्रेंड बेस्ड पे बैक टेंशन। ये एक फिबोनाची का ही पार्ट है जिससे हमको ये पता चलेगा कि कहाँ तक हमारा मार्केट जा सकता है और इसकी हेल्प से हम लोग अपने टारगेट यानी कि एग्जिट पॉइंट को डिसाइड कर सकते हैं। इससे पहले आपको फिबोनाची का बेसिक पता होना बहुत जरूरी है। फिबोनाची के बेसिक्स पे ऊपर मैंने एक वीडियो बना के डाल दिया, ये आपको स्क्रीन पे आ रही होगी, इस वीडियो को जाके देख लेना, आई बटन पे इसका लिंक है। मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर जहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप टारगेट डिसाइड कर सकते हो फिब एक्सटेंशन की मदद से। तो हम लोग बात करने वाले हैं एग्जिट पॉइंट के बारे में, आखिर पब्लिक एग्जिट करेगी कहाँ पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है किसी भी ट्रेडर के माइंड पे। यार मैंने एंट्री तो बना ली, अब मेरा एग्जिट पॉइंट कहाँ पे आएगा? तो एकदम सिंपल मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। चलो एक काम करो, पहले मुझे ये बताओ कैसे एक चार्ट वर्क करता है। डेफिनेटली अगर ये मार्केट है तो अगर इसको ऊपर जाना है तो कुछ ऐसा ऊपर जाएगा ना, मार्केट का एक पैटर्न रहता है, मार्केट कभी भी ऐसा स्ट्रेट लाइन ऊपर नहीं जाता। तो इस पैटर्न पे जो फिबोनाची रहता है वो आपको कैसे हेल्प करता है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। लाइक जब ये प्राइस यहाँ से यहाँ तक का जाता है और जब ये रिट्रेस होता है तो किस लेवल पे आके ये रुकेगा, ये आपको पता चलता है फिबोनाची की मदद से। फिबोनाची आपको अपने लेवल्स बताएगा जिससे आपको ये पता चलेगा कि कहाँ से प्राइस यहाँ पे आके रुकेगा और वापस से एक बाउंस बैक लेगा। अब नॉर्मली फिबोनाची तो मैंने एक वीडियो पे समझा दिया, आप फिबोनाची की वीडियो आई बटन पे आ रही होगी, वो जाके देख सकते हो। इस वीडियो जो हम लोग डिस्कस करने वाले वो है फिबोनाची के बेस पे ट्रेंड एक्सटेंशन, यानी कि जो लेवल है, जैसे कि यहाँ पे जो इसने बाउंस लिया ये कहाँ तक का बाउंस दिखा सकता है, यानी कि ये जो टॉप लगेगा ये किस लेवल पे लगेगा, इस चीज को हम लोग समझने वाले इस वीडियो पे। सबसे पहले आपको क्या करना है मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है, ये वाला जो सेकंड वाला है ट्रेडिंग व्यू का, यहाँ पे देखोगे फिब रिट्रेसमेंट। फिब रिट्रेसमेंट तो नॉर्मली फिबोनाची का जो लेवल रहता है उसके लिए रहता है। मैं आपको जो सिखा रहा हूँ उस पर हम लोग यूज करेंगे ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन। आपको इस पे क्लिक कर लिया, अब आप यहाँ पे देखोगे कि फिबोनाची पे हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली फिबोनाची पे दो पॉइंट को मार्क करते हैं, आइदर हाई से लो लेके जाते हैं अपने फिबोनाची को ड्रैग करके, या तो फिर लो से हाई लेके जाते हैं जब हमारा ओवरव्यू लॉन्ग साइड का रहता है। फिबोनाची ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन पे तीन पॉइंट रहते हैं, ये देखो ये रहेगा पहला, ये रहेगा दूसरा और ये रहेगा तीसरा, ये हो गए तीन पॉइंट। अब इसको प्रैक्टिकली चार्ट पे कैसे किया जाता है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ एकदम इजी वे में। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि आपका मार्केट का ट्रेंड कैसा चल रहा है। चलो ये आ गया भाई, हम लोग निफ्टी 50 की चार्ट पे, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप फिबोनाची एक्सटेंशन को किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हो, बट याद रखना फिबोनाची हमेशा ट्रेंडिंग मार्केट में यूज किया जाता है, जब मार्केट साइडवेज हो तो उसको प्रेफर मत करना। अभी चलो इस चार्ट पे ध्यान से देखो, निफ्टी 50 का चार्ट है, काफी टाइम से बुलिश ट्रेंड पे। अब मुझे ये तो फिबोनाची की मदद से मुझे ये पता चल जाएगा कि ये जो चार्ट है यहाँ से यहाँ तक गए तो कहाँ तक का ये रिट्रेस कर सकती है, ठीक है। अगर मैंने फिबोनाची को यहाँ पे ड्रॉ किया, यहाँ पे देखोगे इसने 0.236 के लेवल पे कंसोलिडेट किया था और इसको ब्रेकडाउन दिखाने की ट्राई कर रहा है, यानी कि जो अगला लेवल आ रहा है चार्ट पे वो आ रहा है सीधा 20,880 का, क्योंकि यहाँ पे जो है अगला सपोर्ट एरिया आ रहा है फिबोनाची की मदद से। अब यहाँ से पॉसिबल है कि ये बाउंस बैक लेगा, ये तो फिबोनाची से हमको पता चल जाएगा। अब ये कहाँ तक बाउंस बैक ले सकता है उसको अपन पता करेंगे फिबोनाची ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन से। तो यहाँ पे आ गए हम लोग, इस एरो पे क्लिक करने के बाद आप ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन को लगा लिया। अब इसको यूज कैसे किया जाता है, सबसे पहले आपको देखना है कि कहां से कहां तक का ट्रेंड है। तो यहां से ये जो लो लगा है यहां से यहां तक के ट्रेंड को ड्रैग करते हुए आप लेके आइए, यहां पे अपने पॉइंट को मार्क कीजिए और अभी जहां पे चार्ट है, सपोज करो यहां पे चार्ट है तो यहां पे आके बस इसको आके प्लॉट कर देना और यहां पे आपको दिखाएंगे पूरे के पूरे लेवल्स। इसका मतलब सिंपल है कि मार्केट इतना यहां से यहां तक आया, ये रिट्रेस हुआ और अगर ये यहां से बाउंस बैक लेना चालू होगा और इस लेवल को ब्रेक करेगा तो कहां तक के पॉसिबल इसमें मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं, ये आपको पता चलेगा इसकी मदद से। यानी कि अगर चार्ट में आपको अभी मैं बताऊं तो पॉसिबल है कि जब निफ्टी 50 अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा तो जो नेक्स्ट लेवल आ रहा है फिबोनाची की मदद से वो आ रहा है 22,516 का, उस लेवल के बाद का जो लेवल है वो आ रहा है 22,902 का, और ऐसे ही सडन आपको आगे के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। ये काफी इजी टू यूज है, ये बहुत ही एक्यूरेसी के साथ में वर्क करता है और सबसे बेस्ट एक कब यूज आएगा आपको, जब आपका मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, यानी कि ऑल टाइम हाई पे आपके पास कोई भी रेजिस्टेंस लेवल नहीं है जहां तक आप अपने टारगेट को बुक कर सको, तो सबसे बेस्ट रहता है फिबोनाची के ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन को यूज करके अपने टारगेट को निकालना। तो ये तो मैंने आपको लॉन्ग साइड का बता दिया जब यानी कि अप ट्रेंड था। अब एक एग्जांपल मैं आपको शॉर्ट साइड का भी बता देता हूं जिसपे प्रोबेबली हम लोग देखेंगे कि जब मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड पे, यानी कि जब मार्केट में गिरावट आ रही तो कौन से लेवल तक वो गिर सकता है। मैं आपको एक और चार्ट के साथ एग्जांपल समझा देता हूं। चलो तो ये आ गए हम लोग पॉली कैप के चार्ट पे। हाल ही में पॉली कैप की एक नेगेटिव न्यूज आई थी, आपको पता होगा टैक्स इन्वेशन की, जिसके कारण पॉली कैप का जो मार्केट है वो
एकदम काफी ज्यादा गिरा और वो अब डाउन ट्रेंड पे आ चुका है। तो पॉलीकैप के इस चार्ट को ध्यान से देखो, अगर इस पे आप नॉर्मली फिबोनाची के टूल को यूज करोगे, इसके हाई और लो को मार्क करोगे, तो आपको दिखेगा कि यहां से ये रिवर्सल लेने के लिए रेडी हो चुका है। ठीक है, यहां से इसने एक्जैक्टली 0.38 के लेवल से रिजेक्शन दिखा दिया और ये वापस से अपना डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। अब हमको पता ये करना है कि कहां तक ये जा सकता है और कौन सा लेवल अगर हमारी एंट्री हुई तो सबसे बेस्ट है एग्जिट करने के लिए। ये आपको किससे पता चलेगा? ये नॉर्मली आपको पता चलेगा ट्रेंड बेस्ड वेब एक्सटेंशन से। अब ये कैसे पता चलेगा, आइए देखते हैं। ट्रेंड बेस्ड वेब एक्सटेंशन को कैसे यूज करता है, मैंने बताया इस पे 3 पॉइंट आपको नोटिस करने हैं। सबसे पहले जो ट्रेंड की लाइन है, ठीक है, 0 पॉइंट से लेके फर्स्ट पॉइंट तक, उसके बाद बस वहां से आपको ट्रैक करते हो इसको लेके आना है। जैसे कि इस पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो इसका हाई है यहां से आपको टैप करना है और यहां से लेके आना है इसके लो तक, और उसके बाद जहां तक ये रिट्रेस हुआ है वहां तक इसको आके इसको प्लॉट कर देना। अब यहां से मैंने 3 पॉइंट को कनेक्ट कर लिए। पहला पॉइंट कौन सा होगा? जो इसका हाई पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट होगा जो लो पॉइंट है। जो आप लोग नॉर्मल फिबोनाची पे यूज करते हो उन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करने के बाद जहां तक रिट्रेसमेंट देखने को मिली है वहां तक आपको तीसरा पॉइंट को कनेक्ट करना है। एकदम सिंपल है। अब यहां से आपके जो जितने भी नीचे के लेवल्स आ रहे हैं यहाँ पे साफ नजर आ रहा है कि जैसे यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो सबसे पहला लेवल कौन सा आ रहा है? 4094 का। उसके ब्रेकडाउन पे जो जहां तक का अभी ये पॉलीकैप जहां तक का फॉल दिखाया था वहां तक का, और उसके नीचे के पूरे लेवल्स आपके स्क्रीन पे निकल के आ गए कि कहां कहां तक पॉसिबल है कि पॉलीकैप आपका रिट्रेस होके आ सकता है, यानी कि फॉल दिखा सकता है। तो ये काफी अच्छा एक टूल है जिसकी मदद से हम लोग परफेक्ट एग्जिट पॉइंट को अपना मार्केट में फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये बेस्ट कब रहेगा? जब आप इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैन्युअली चार्ट पे आप निकाल के इसको यूज करोगे। हालांकि जब ये मार्केट ऑल टाइम हाई पे रहता है अपने तो काफी डिफिकल्ट होता है क्योंकि हमारे पास कोई लेवल्स नहीं रहते। उस टाइम पे सबसे बेस्ट रहता है इसको नॉर्मली आप नेकेड यूज कर सकते हो, वरना इसको आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ कंबाइन करके यूज करोगे, इवन ओआई डाटा के साथ भी कंबाइन करके यूज करोगे तो वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी है जिससे आप आराम से अच्छे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स निकाल सकते हो और अपने टारगेट को एनालाइज कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो एकदम सिंपल और क्लियर तरीके से समझ आ गई होगी। कोई भी डाउट होगा आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट या फिर ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन से तो जरूर से कमेंट सेक्शन पे अपना डाउट को ड्रॉप कर देना, मैं आपका भाई वहाँ पे आपको रिप्लाई दे देगा। एंड डेफिनेटली अगर फिबोनाची नहीं सीखा अभी तक तो आई बटन पे दोबारा मैं बता दे रहा हूँ, लिंक आ रही होगी, वहां से जाके आप लोग फिबोनाची की वीडियो देख सकते हैं मेरी, एंड उसके बाद आके इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो से जो भी सीखने को मिले उसको अप्लाई कीजिए अपने ट्रेडिंग पे और बाकी फिर अच्छे से प्रॉफिट्स कीजिए। एंड मिलते हैं आप लोगों से एक और अच्छी वीडियो में। टिल देन गुड बाय।